कर लिया। चलिए तो सर, आज की हमारी इस ऑनलाइन क्लास में हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं एडवांस एक्सेल फॉर्मूला की। हमारे एडवांस एक्सेल फॉर्मूला की हमारी तीसरी क्लास है और हमने लास्ट क्लासेस में आपके साथ डिस्कस किया था एक्सेल की सेटिंग्स, उनके चेंजिंग करने के तरीके, सिलेक्शन मेथड, और जहां तक मुझे आशा है आपको समझ में आ गई होगी। तो कोई डाउट है प्रीवियस क्लास से? नहीं सर, नहीं सर, नहीं है सर, नहीं सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आज हम बात पेस्ट स्टेशन के बारे में। पेस्ट स्पेशल के बारे में हम आपके साथ डिस्कस करें। तो जैसे कि आप कॉपी पेस्ट नॉर्मल करते ही हैं, तो कॉपी पेस्ट के बाद आपके पास पेस्ट स्पेशल होता है कि कुछ नए, मतलब कि जो चाहिए आपको वही आप पेस्ट करें, तो पेस्ट स्पेशल इसके लिए होता है। तो एक छोटा सा डेटा हम आपके साथ बना रहे हैं ताकि आप उसको देख सकें। तो आज की वीडियो हम YouTube पे डालेंगे, तो आप YouTube से भी आप देख सकते हैं। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया होगा सर, किया है, नोटिफिकेशन में आ जाएगा, नहीं तो आप कर लीजिएगा। मैंने रैंड बिटवीन का फॉर्मूला लगाया है रैंडम नंबर के लिए। रैंड बिटवीन का फॉर्मूला रैंडम नंबर देता है, मैंने 10 से 90 के बीच में कोई भी रैंडम नंबर ले लिया है। ये हमेशा चेंज होते रहते हैं, तो आप ध्यान मत दीजिए इस पे। इसको हमने सिलेक्ट किया और हमने इसको फॉर्मेट कर देता हूँ बोर्ड कलर से। तो नॉर्मल जब कॉपी करते हैं तो जैसा कॉपी करते हैं आपका वैसा ही पेस्ट होता है, राइट? लेकिन पेस्ट स्पेशल आपको फैसिलिटी देती है कि इसमें से कुछ पार्ट को पेस्ट करें। जैसे कि फॉर्मूला, मैं सिर्फ फॉर्मूला को सिलेक्ट किया और फॉर्मूला को पेस्ट किया, सिर्फ फॉर्मूला पेस्ट होगा। अब कुछ बच्चे मुझसे क्वेश्चन पूछते हैं कि सर यहाँ ऊपर में तो सिर्फ नेम है, फॉर्मूला तो है नहीं। तो फॉर्मूला का मतलब होता है जो फॉर्मूला बार में विजुअल है वो उसको पेस्ट करेगा, जो फॉर्मूला बार में विजुअल है उसको पेस्ट करेगा, चाहे वो फॉर्मूला हो या कोई नेम वगैरह, कुछ वैल्यू वगैरह हो, लेकिन फॉर्मेटिंग वगैरह नहीं आएगी उसमें। फॉर्मूला के बाद अगला ऑप्शन आता है वैल्यू, मतलब कि आपको फॉर्मूला को रिमूव करके पेस्ट करना है। फॉर्मूला, फॉर्मेटिंग, हर एक चीज को रिमूव करना है। आप सिर्फ देखना चाहते हो जो आपका कंटेन है, जैसे नीरज 42 ऐसे ऑप्शन को। तो मैंने क्लिक किया तो आप देखिए यहाँ पे आपको वही ऑप्शन यहाँ पे शो हो रहा है, राइट? तो एक चीज और भी है कि आप, हमने पेस्ट करके किसी और लोकेशन में पेस्ट किया तो हमारा ये हट गया, लेकिन मैं चाहता हूं कि जहां मेरा फॉर्मूला लगा है वही रिमूव हो। तो उस केस में हम क्या करेंगे कि इसके ऊपर सिलेक्ट करेंगे, कॉपी करेंगे और इसी के ऊपर पेस्ट स्पेशल में पेस्ट एज ए वैल्यू करेंगे तो उसी को रिप्लेस कर देगा, राइट सर? तो अगर आपकी कोई रिपोर्ट वगैरह है जिसको आप मेल करना चाहते हो और उसमें बहुत सारे फॉर्मूला लगे हैं तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसको कॉपी किया और इसके ऊपर पेस्ट स्पेशल में मान लीजिए कि कमेंट आता है, तो कमेंट क्या होता है कि किसी भी टेक्स्ट के ऊपर कोई एडिशनल कमेंट अगर डालना चाहे तो डाल सकते हैं। न्यू कमेंट पे क्लिक किया और यहाँ पे डाल सकते हैं कि दिस इज मार्क्स। अब मेरा कर्सर इसके ऊपर जाएगा तो दिखेगा, अदरवाइज नहीं दिखेगा। तो मैं चाहता हूं जो एक कमेंट है ये बाकियों कमेंट पेस्ट हो, हमारा डेटा पेस्ट ना हो। तो राइट क्लिक किया, पेस्ट स्पेशल, और इसमें हमने कमेंट्स को सिलेक्ट कर लिया। तो आप देख रहे हैं ये 2000 ऑफिस 365 में कमेंट का चेंज हो गया है,
इसमें मैंने सेलेक्ट किया पेस्ट करने के लिए, तो डॉक्यूमेंट पेस्ट नहीं हो रहा है। हाँ इतना है, आ तो गया यहाँ पे। कमेंट्स आते हैं लेकिन आप अपने सिस्टम पे देखेंगे करके तो आपको दिख जाएगा सर। ठीक है आ गया ना यहाँ पे, देखिए आ गया कमेंट्स। कमेंट्स के बाद कभी कभी क्या होता है कि जैसे बॉर्डर है ना, मुझे बॉर्डर पेस्ट नहीं करना है तो मैं राइट करूंगा पेस्ट स्पेशल और यहाँ हम बॉर्डर को यहाँ पे ऑल एस्पेक्ट बॉर्डर सिलेक्ट करेंगे एंड ओके करेंगे, सब कुछ आएगा, इसका बॉर्डर नहीं आएगा। देखिए हम लोग क्या करते हैं कि इसको ऑटो फिट कर देते हैं ताकि हमारा एक जैसा सेल का जो साइज है कॉलम का उतना ही कॉलम का साइज आए। तो उस केस में जब इसको हम कॉपी करते हैं, कॉपी करके कहीं पेस्ट करते हैं तो हमारा कॉलम का साइज नहीं आता है। ध्यान रखिएगा जब भी आप पेस्ट करेंगे तो कॉलम का विड्थ नहीं आता है, तो उससे क्या होता है कि फॉर्मेटिंग वगैरह में और प्रिंट सेटअप वगैरह में दिक्कत हो जाता है। तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन होता है कि आप सिर्फ कॉलम की विड्थ को पेस्ट करें, तो आपका सिर्फ कॉलम का विड्थ पेस्ट होगा, फिर उसके ऊपर से नॉर्मल पेस्ट करें। तो पेस्ट एज ए कॉलम विड्थ करते हैं तो सिर्फ कॉलम का विड्थ आता है। डेटा के लिए आप दोबारा से ऊपर पेस्ट कर ले या फिर राइट क्लिक पेस्ट स्पेशल करते समय यहाँ अगर आपके पास 13, 16, 19 है तो यहाँ पे ये आपको एक आइकन होगा इस पे कर्सर जाके दिखेगा कीप सोर्स कॉलम विड्थ, कीप सोर्स कॉलम विड्थ, आप इस पे क्लिक कर दें तो आपका सिर्फ कॉलम का विड्थ आएगा, बाकी डेटा नहीं आएगा। उसके बाद इसमें आगे बढ़ते हैं कि जैसे मान लीजिए कि डेट वगैरह होता है, यहाँ पे मैं यहाँ पे डेट डाल देता हूं, मैं डेट की फॉर्मेटिंग भी कर देता हूं, मैं इसको कॉपी करता हूं और कॉपी करने के बाद मैं पेस्ट स्पेशल में यहां पेस्ट करता हूं कॉलम बेड में, सॉरी वैल्यू कर देता हूं मान लीजिए। तो में क्या नंबर आता है तो पहले समझिए कि नंबर होता क्या है। जैसे कि मैंने आज की डेट लिखी अपने सिस्टम डेट में, तो ये आज की डेट आपको दिख रही है लेकिन अगर इसको हम फॉर्मेट में जनरल कर दें तो ये नंबर दिखेगा। क्या होता है सिस्टम जो है डेट को नंबर में स्टोर करता है, नंबर कौन सा, तो नंबर ऑफ डेज। जैसे कि 10 हमने 21-10 डाला तो 21-10 जो है 43,759 डेज। जब से कंप्यूटर कैलेंडर स्टार्ट हुआ है, कंप्यूटर कैलेंडर कब से स्टार्ट हुआ है तो 4 जनवरी 1900 से। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कैलेंडर का, आप कैलेंडर में जाके चेंज कर दिख जाएगा। या फिर मैं यहाँ पे सिर्फ एक दिन रखता हूं और इस एक दिन के ऊपर हम अपने डेट का फॉर्मेट अप्लाई कर दें तो आपका 1/1900 है। इसमें अगर 367 दिन डाला तो देखिए ईयर चेंज हो गया, ऐसे में 43,759 डाल दिया तो आज का डेट दिख गया। ठीक है सर। तो ऐसा किया क्यों गया, इसलिए किया गया कि किसी भी जैसे कि मान लीजिए मैं कंट्रोल सिर्फ हैश कर देता हूं तो डेट आ गया। तो कहने का मतलब यह है कि किसी भी नंबर के साथ अगर हमने टेक्स्ट लिख दिया तो इस पर हम किसी भी तरह का मैथमेटिकल कैलकुलेशन नहीं कर सकते। बल्कि मान लीजिए डेट में मुझे 20 दिन बाद का डेट चाहिए तो इसे +20 कर दूंगा तो मुझे पता चल जाएगा कि 10 नवंबर है।
एक्चुअली 20 अक्टूबर में इसने, 21 अक्टूबर में इन्होंने नहीं किया है, इन्होंने किया है इसमें 43,569 में, और रिजल्ट क्या आया है, रिजल्ट आपका आया है 47,779, राइट सर? तो एक्चुअली में ये डेटा है, तो इसलिए किया गया। तो जब पेस्ट एज ए वैल्यू करते हैं तो पेस्ट एज ए वैल्यू को बोला गया है रिमूव ऑल फॉर्मेट्स, और डेट भी एक तरह की फॉर्मेटिंग है तो उसको रिमूव कर देता है। तो अगर आप चाहते हैं कि डेट की फॉर्मेटिंग रहे तो यहाँ पे आप जो है वैल्यू एंड नंबर फॉर्मेट्स को सिलेक्ट कर लें एंड ओके, आपके सामने आपका डेट आ जाएगा एंड फॉर्मूला एंड नंबर फॉर्मेट करेंगे तो फॉर्मूला भी आएगा, वैल्यू एंड नंबर फॉर्मेट करेंगे तो वैल्यू एंड नंबर फॉर्मेट आएगा। तो पेस्ट स्पेशल में, पेस्ट में कोई दिक्कत तो नहीं है वैल्यू फॉर्मूला फॉर्मेट? सर ये जो ये वैल्यू है ना ऑल फॉर्मेट के नीचे जो वैल्यू है, ये मतलब वैल्यू किस चीज की बता रहा है? एक मिनट ये बात कर रहे हैं, इसकी बात कर रहे हैं? हाँ सर वैल्यू की। सर तो आप क्लास पे नहीं है क्या? जैसे यहीं पे था सर, मैंने आपको समझाया था। देखिए क्या है कि ये डेटा है, अगर हम इसको कॉपी करके पेस्ट करते हैं तो हमारा फॉर्मूला पेस्ट होता है, ये वैल्यू चेंज हो गई। मैं चाहता हूँ कि इसका ऊपर देखिए फॉर्मूला लगा हुआ है, मैं चाहता हूँ कि ये फॉर्मूला नॉर्मल 54 टाइप हो, जैसे यहाँ पे हमने टाइप किया हुआ है। अच्छा, क्योंकि फॉर्मूला होगा तो अपना अपना रिजल्ट चेंज करेगा क्या? केस में जब पेस्ट स्पेशल में वैल्यू सेलेक्ट कर देते हैं वैल्यूज, तो क्या होता है कि उसका जो कंटेन है वो कंटेन पेस्ट होता है। देखो अब फॉर्मूला है इसमें नहीं है ना, जैसे मान लीजिए इसमें यहाँ पे 20 लिखा है, यहाँ पे 30 लिखा है, और फिर मैंने सम का फॉर्मूला लगा के दोनों को सम कर दिया, ठीक रिजल्ट आया। अब मैं यहाँ पे 30 को 40 करता हूँ तो मेरा रिजल्ट चेंज होता है ना। अब मैं इसको कॉपी करके अगर यहाँ पेस्ट करता हूं तो क्या होता है? जीरो आया, फॉर्मूला पेस्ट हुआ। देखिए मुझे फॉर्मूला नहीं, मुझे इसकी 60 चाहिए से। मुझे 60 लिखा है ना, ऐसे यहाँ पे 60 मैनुअल लिखा आ जाए, कुछ भी चेंज हो करना पड़े। तो इसमें हम कॉपी करते हैं और इसके ऊपर पेस्ट स्पेशल पेस्ट एज ए यूज करते हैं। ठीक सही। उसी तरह से जब आप कभी मान लीजिए डेट वगैरह आपके डेटा में हो, क्योंकि हम सिर्फ एक कॉलम तो नहीं करते, पूरा डेटा कॉपी करते हैं, तो पूरा डेटा करते समय जब आप डेट को पेस्ट एज ए वैल्यूज कर देंगे तो डेट इस तरह के नंबर में कन्वर्ट हो जाएगा। इस तरह का नंबर ऑफ डेट फ्रॉम द स्टार्टिंग ऑफ द कंप्यूटर कैलेंडर है, मतलब की ये डेट है कि 43,459 दिन हुए हैं जब तक डेट डाला हुआ है, समझ गए ना? क्योंकि डेट में स्टोर करता है। तो आपको इस तरह का नंबर नहीं चाहिए, एज अ डेट चाहिए, फॉर्मूला भी नहीं चाहिए, फॉर्मेटिंग भी नहीं चाहिए, लेकिन डेट वैल्यू या टाइम या डेट वैल्यू में ना जाए, टाइम और डेट ही रहे, तो आप यहाँ पे वैल्यू एंड नंबर फॉर्मेट करेंगे। तो क्या हुआ कि आपकी जो सिर्फ वैल्यू आएगी, फॉर्मूला वगैरह नहीं आएगा, फॉर्मेटिंग वगैरह नहीं आएगा, लेकिन जो डेट एंड टाइम की फॉर्मेटिंग है वो ऐसा बना रहेगा, जैसे कि सही है। डाउट इसमें? नहीं नहीं, चलिए इसमें आगे बढ़ते हैं। अगला बात है पेस्ट विद कैलकुलेशन। जैसे कि यहाँ पे 20 है, यहाँ पे 30 है, अगर मैं 20 को कॉपी किया और 30 के ऊपर नॉर्मली पेस्ट कर दिया तो 30 रिप्लेस बाय 20। लेकिन हमने क्या किया कि 20 को इसी के ऊपर पेस्ट स्पेशल, और यहां पे हमने कर दिया, यहां पे डिवाइड मल्टीप्लाई सब्सट्रैक्ट ऐड वगैरह है, तो मैंने इसको यहां पे ऐड कर दिया। अब क्या हुआ कि इन दोनों के बीच में मैथमेटिकल कैलकुलेशन होगी और उसका रिजल्ट 50 यहां पे स्टोर हो जाएगा।
ठीक है सर, विदाउट सर इसका फायदा क्या है सर इसका करने का, ये तो हम वैसे फॉर्मूले भी कर सकते हैं। हाँ ये मैं आपको समझाता हूँ कि इसका फायदा क्या है। अब जैसे कि परसेंटेज को लिखना सीखे, जैसे मैंने यहाँ पे 20% लिखा तो परसेंट आ गया, मैं 20 लिखने के बाद परसेंट दूंगा तो क्या हो जाएगा 2000% हो जाएगा, क्योंकि परसेंटेज डेसिमल में स्टोर होते हैं, सो 1 = 100% होता है एक्सेल के अंदर, राइट। 20% लिखने के लिए 0.20 लिखने के बाद आपको परसेंटेज देना है, तो परसेंटेज देंगे तो आपको 20% होगा, राइट। मेरे कलीग थे और मुझे एक डेटा भेजते थे, उन्होंने हेडिंग में परसेंटेज डाल देते थे, अच्छा ठीक है, हेडिंग में परसेंटेज डाल देते थे मुझे, ठीक है। अब मुझे इस सब को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, तो कैसे करेंगे, एक एक करके करना पड़ेगा ना सर, इस तरह से क्या बोल रहे सर, सर क्योंकि मुझे जहां इस डेटा को यूज करना है वहां परसेंटेज होना चाहिए, तो कैलकुलेशन होगा। जैसे मान लीजिए कि मुझे 500 का मुझे 63% चाहिए, तो 63% होगा तो मैं इसको हम इजीली मल्टीप्लाई कर लेंगे, बिल्कुल। लेकिन अगर वो 63 होगा तो हम इजीली मल्टीप्लाई तो नहीं कर पाएंगे ना सर, तो वही यहाँ पे प्रॉब्लम है। तो हमने क्या किया कि एक अलग लोकेशन पे 100 को लिखा और फिर इस 100 को कॉपी किया पूरे एरिया में, राइट क्लिक पेस्ट स्पेशल, और यहां पे हमने कर दिया डिवाइड, सबको 100 से डिवाइड कर दिया, और इस हम परसेंटेज का सैंपल दे दिया, आसान हो गया, बिल्कुल सर। समझ में आया कि नहीं सर? हाँ सर आगे सर। 47 को 100 से डिवाइड करेंगे तो 0.47 होगा ना, और 0% देंगे तो 47% हो जाएगा, यहां से कर दिया, ठीक सर। अब इसमें आगे बढ़िए, इसमें अगला ऑप्शन हमारे पास है कि हमारे पास कुछ नंबर्स हैं, ऐसे हमारे पास बहुत सारे नंबर्स हैं, मान लीजिए 10,000-20,000 होंगे आपके। इस नंबर आपने क्यूसी टीम को दिया क्रॉस चेक करने के लिए, तो क्यूसी टीम ने इसको क्रॉस चेक किया तो पाया कि यहाँ 70 है और नीचे 60 है, उसके नीचे 85 है, ठीक राइट सर। सर अब मुझे क्या करना है, इस चीज को देखिए, मुझे करना है इसको अपडेट, तो मुझे इसको उठा के इसके ऊपर पेस्ट करना है, इसको उठा के इसके ऊपर पेस्ट करना है, इसको उठा के इसके ऊपर पेस्ट करना है। तो मैं एक साथ करूंगा तो दिक्कत हो जाएगी ना, एक एक करूंगा तो 3 है मान लीजिए, लेकिन हमारा 300 होता या 3000 होता तो दिक्कत ना, बिल्कुल। तो मैंने इसको कॉपी किया और हम इसके ऊपर हम डायरेक्ट पेस्ट करेंगे, लेकिन पेस्ट स्पेशल में हम क्या लेंगे, स्किप ब्लैंक, मतलब कि ए क्या करेगा, जो सेल ब्लैंक है जिसमें कोई डेटा नहीं है उस सेल को कॉपी से बाहर कर देगा, ठीक है। तो रिजल्ट आपके सामने है सर, ये मेरे भी समझ में नहीं आई, जैसे ये 320 लिखा हुआ है पूरा रो में, तो ये बगल में 70, 60 या 85 कहां से आ गया? जैसे मैं बताता हूँ आपको क्या हुआ कि हमने अपने मान लीजिए मेरे पास ऑर्डर, तो हमने यूपी टीम को बोला कि आप चेक करो कि ऑर्डर हमारे सही है नहीं है, तो यूपी टीम ने चेक किया तो पता चला कि 63 इज द रॉन्ग नंबर, राइट नंबर इज द 70, तो उन्होंने 63 को ना चेंज करके ऐसे लिख देना चाहिए था, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं लिखा, उन्होंने इनके बगल में लिख दिया कि 70 होना चाहिए, आप चेक करके इसको अपडेट कर लो, ऐसी पॉसिबिलिटी होती है सर। तो ये नंबर से जो 70, 60 है कहीं और पे होंगे, मतलब कि नहीं समझे, आपके लिस्ट ऑफ नंबर्स है, मान लो लिस्ट ऑफ नाम ही है आपके, मान लीजिए पूरे बटालियन का नाम है, नाम मिला, आप किसी ने मैनुअली
किया है तो पैसे दे दोगे उसको, एक बार क्रॉस चेक तक करोगे किसी ने ह्यूमन एरर तो नहीं है, कि टाइपिंग मिस्टेक तो नहीं हुई है। अच्छा अच्छा अच्छा। अब टाइपिंग मिस्टेक हुई तो आप अपडेट ना करके उसके बगल में लिख दिया, क्योंकि आपको अपडेट करने का राइट नहीं है, आप अपने बॉस को भेजोगे, बॉस चेंज कर अपना अपडेट करेगा, तो बॉस को एक एक करके अपडेट करने में तो टाइम लगेगा। हाँ बिल्कुल सर। तो उस केस में क्या करेंगे कि पूरे डेटा को उठाएंगे, कॉपी करेंगे और इसी के ऊपर पेस्ट स्पेशल और इसमें पेस्ट एज ए ब्लैंक, स्किप ब्लैंक। हो गया बिल्कुल सर, क्लियर है, कोई डाउट इसमें? नो 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 नो। बात करते हैं ट्रांसपोज की। तो कोई डेटा अगर हॉरिजॉन्टल है उसको वर्टिकल में और वर्टिकल है उसको हॉरिजॉन्टल में कन्वर्ट कर दे। डेटा अभी आपका वर्टिकल है, पेस्ट स्पेशल किया और इसको मैंने कर दिया हॉरिजॉन्टल, ये आपका हॉरिजॉन्टल हो गया। अगर हॉरिजॉन्टल है तो उसको वापस वर्टिकल में कर लेंगे, ठीक है? डाउट सर इसमें? नो नो सर, ये नहीं, ऐसे इसको कर सकते हैं। अब बात करते हैं पेस्ट एज ए लिंक की। अभी क्या होता है कि मुझे एक ही डेटा को कई सारे जगहों पे शो करना होता है, इसी डेटा को मुझे इस सीट पे भी शो करना है, इस पे भी रखना है। तो हम क्या करेंगे कि पूरे डेटा को सिलेक्ट करेंगे, कॉपी करेंगे और इसके ऊपर राइट क्लिक, पेस्ट स्पेशल और यहां कर देंगे पेस्ट एज ए लिंक। हो गया? हाँ सर। मैं पूजा के जगह पे मैं कर देता हूं पुनीत, मारते ही आप देखेंगे आपका यहां भी चेंज हो गया। हो गया सर? यस सर। हाँ सर। तो अगर एक ही डेटा, एक ही तरह के डेटा को आपको तीन चार शीट्स या तीन चार फाइल पे शो करना है तो आपको एक बार उसको कॉपी करके वैल्यू पेस्ट कर दिए, नेक्स्ट टाइम आप एक अपने ओरिजिनल डेटा को अपडेट करेंगे, बाकी सब जितना दो जगह तीन चार जगह सारे जगह का डेटा ऑटोमेटिकली आपका अपडेट हो जाएगा। ओके सर। सर अब बात करते हैं पेस्ट एज ए पिक्चर। कभी कभी क्या होता है कि मुझे हमें इसको एक छोटा सा एरिया में दिखाना होता है तो हम एक कॉलम छोटा नहीं कर सकते क्योंकि नीचे डेटा हो सकता है, तो पेस्ट को पिक्चर कर देते हैं। ठीक है, हो गया ना सर? सर कॉपी कीजिए, जहां पे करना वहां पर रखिए और यहां पेस्ट एज ए पिक्चर। पिक्चर बन गया, अब इसको कितना मर्जी बड़ा करना है तो बड़ा कर ले और छोटा करना है तो छोटा कर ले। इसकी रिपोर्ट वगैरह डैशबोर्ड वगैरह का इस्तेमाल कर, बट पेस्ट के पिक्चर वही पे कीजिएगा जो आप रिपोर्ट आप एक बार बना रहे हैं, नेक्स्ट टाइम उसको नहीं बनाना है। बनाना था फिर आपको कॉपी करके वैल्यू पेस्ट करना पड़ेगा, पेस्ट से पिक्चर करना पड़ेगा। बिल्कुल सर। आपको बार बार बनानी है तो पेस्ट से पिक्चर ना करके पेस्ट से पिक्चर लिंक कर दी। लिंक करने से क्या हुआ कि आपका डेटा का कुछ भी चेंज होगा, जैसे मान लीजिए कलर चेंज कर दिया तो आपका पिक्चर भी चेंज हो जाएगा। इसको भी सेम सीट अनदर फाइल वगैरह पे रख सकते हैं। ठीक है सर? सर कुछ आउट इसमें? नो नो।